प्रवेश कर रहे हैं मंगल आवाहन में बांसुरी के द्वारा, जिसका राग है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से देखे तो राग नटी, और ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जोग राग से मिलता जुलता है। संत मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना मगा गणपति मनसा प्रकट करने जा रहे हैं बांसुरी पर। इसका नमस्कार इस तरह से है, बांसुरी को राइट हैंड या दोनों हाथों से उठाया जाता है, इसके छिद्र रखे जाते हैं आकाश की ओर, अनंत की ओर, अज्ञात की ओर। ये संपर्क विधि है गांधर्व लोक की दिव्य चेतनाओं से, इसका मार्गदर्शन संपर्क ये दिव्य प्रेरणा क्षेत्र है, इंस्पायरेशन मिलती है जहां से बांसुरी को रखे आज्ञा चक्र, जहां से हम इंस्पायरेशन प्राप्त करते हैं ये वो क्षेत्र है आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र। बांसुरी का स्पर्श करे, फूंक छिद्र स्पर्श करे, बांसुरी को रखे नासिका छिद्र के पास, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे। उच्छ्वास से प्रकट होता है बांसुरी में दिव्य संगीत, 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी के साथ। इसके बाद कंठ चक्र का स्पर्श, जहां से ध्वनि प्रकट होता है, जिस बांसुरी से हम मंगल आवाहन प्रकट करते हैं, आवाहन का अर्थ है आमंत्रण पराशक्ति को, परम शक्ति को, दिव्य चेतनाओं को, उस बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया। बांसुरी को रखे छाती का मध्य केंद्र स्पर्श करे। संगीत का अर्थ केवल सुर और ताल नहीं है, संगीत doesn't mean the mental expression only, इसका बहुत गहरा संबंध है भाव शरीर से, भाव शरीर से संगीत प्रकट होता है। उसके साथ बांसुरी को लगाए, फिर से दोनों हाथों से बांसुरी उठाए, आज्ञा प्रदेश के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है बांसुरी के साथ छाती के पास, प्रणाम नमस्कार वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, तटस्थ शक्ति से संपर्क बनाए, समाधि अवस्था को प्राप्त करें। जो कुछ भी हम बजाएंगे प्रार्थना के रूप में, ये मंगल आवाहन है, इसमें मेरा अहंकार शामिल नहीं होता, ये इस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया होती है। प्रकट करने जा रहे हैं राग नटी, संत मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना मगा गणपति मनसा, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जोग राग से मिलता हुआ है। इसका ताल है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से देखे तो आदि ताल, और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से देखे तो आधा 3 ताल। पहले सा को लंबाए, जिसका उद्भव स्थान है नाभि केंद्र, Thank you.
बांसुरी वादन के बाद गले में क्षमता के अनुसार थूक निकाले बांसुरी के बाद ये प्रक्रिया बहुत जरूरी, अन्यथा गले के साथ स्नायु सूखे हो जाते हैं जिससे कंठ चक्र की क्षमता गाने की कम हो जाती है या पूरा कंठ चक्र बंद हो जाता है। इसलिए बांसुरी से पहले और बाद में गले में थूक निकाल कर गला गीला करें। जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया, प्रार्थना की, आमंत्रित किया दिव्य चेतनाओं को, उस बांसुरी का आदर किया जाता है, फिर से उसे स्पर्श किया जाता है, आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच स्पर्श किया जाता है। प्रार्थना दरमियान कोई भी विचार प्रकट हुआ है तो इसकी शक्ति को इस प्रक्रिया से प्रकाश में बदला जाता है। नासिका छिद्र के पास एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे। बांसुरी का स्पर्श करें, गले का मध्य स्थान, कंठ चक्र, छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर। फिर से दोनों हाथों से बांसुरी को आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखें, जहां से हमें गांधर्व लोक की दिव्य चेतनाओं से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, मदद मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। बांसुरी का नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा के साथ छाती के मध्य स्थान के पास भीतर से ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र तटस्थ शक्ति में प्रविष्ट हो, समाधि प्राप्त करें, समाधान। अस्तु। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला।
द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परम शक्ति पराशक्ति आद्य शक्ति तटस्थ शक्ति शुद्ध शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अपने निजानंद से परिचित करना, मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जो किसी भी परिस्थिति पर आधारित नहीं है। आप अमीर हो गरीब हो, पैसा है नहीं है, रहने के लिए आवास है नहीं है, खाने के लिए रोटी है नहीं है, आपकी प्रशंसा होती है जगत में नहीं होती है, आपके पास अच्छा पद है नहीं है, आप दिखने में सुंदर हो कुरूप हो, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, ऐसी कोई भी बहिर्गामी परिस्थिति के ऊपर इसका आधार नहीं। इस परम संपदा से परिचित करना जो हर एक मनुष्य के पास मौजूद है, जिसका उद्देश्य संतोष और शांति के साथ जो कुछ भी उपलब्ध है इसमें जीवन का परम स्वाद किस तरह से लिया जाता है उसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है परमात्मा ने प्रकट किया हुआ जीवन विविध रंगों वाला, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी हार कभी जीत, जो भी परिस्थिति है जीवन की, जैसी भी परिस्थिति है, इसमें किस तरह से सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है इसका मार्गदर्शन भी प्रदान करना, इसकी ट्रेनिंग भी देना मनुष्य को, ये उद्देश्य रहता है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जो विषय पे मैं बात कर रहा हूं इन दिनों, ये विषय है गायन बांसुरी और परमात्मा, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? अगर परमात्मा कोई व्यक्ति है तो वो कहीं छुपा हुआ है, ये कोई आकाश में है, और अगर ये व्यक्ति है, ये कहीं छुपा हुआ है, ये कहीं रहता है परमात्मा, तो इसका हमारे जीवन के साथ क्या लेना देना? ये हमें मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में, और ये हमें मिला ही नहीं पूरा जीवन तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्न धर्म का अर्थ, जीवन जीने का मार्गदर्शन, धर्म का अर्थ ज्ञान के साथ जीवन को जीना, इसका मार्गदर्शन। ज्ञान का दूसरा नाम समझ, समझ अर्थात दो विचारों के बीच की जगह। जैसे 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 दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे आपकी समझ गहराई को छूती है। जिस दिन संपूर्ण विचार अलोप हो जाते हैं, संपूर्ण पूर्ण समझ प्रकट हो जाती है, पूर्ण समझ, ये अवस्था है, यहां पर हमें पहुंचना है, ये जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जब तक अगर ना पहुंचे तो क्या होगा, चलो ना पहुंचे तो, यहां पर हम ना पहुंचे, ना हमने परमात्मा को जाना, ना हमें परमात्मा मिला, ये समझ है। ये प्रश्न
आपकी समझ के विकास के लिए है। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है कि नहीं है देखना है। अगर आपको नहीं है, अति उत्तम, मैं चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन और एक कदम आगे, हर स्थिति में चेक करो। हर स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, दुख है, पीड़ा है, संताप है, भय है, निराशा है, चिंता है, और ये अलग अलग नहीं। ये विस्तार इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, ये विस्तार इसलिए क्योंकि ये जो प्रागट्य है, ये दिखाता है हमारा संबंध, जो सत्य नहीं है, जो कायम नहीं है, जो कायम नहीं है, है लेकिन कायम नहीं। शरीर है, वर्तमान में देखे तो शरीर सत्य है, लेकिन पूरा जीवन देखे तो शरीर सत्य नहीं। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल। हम एक दिन में युवान नहीं हो गए, हम एक दिन में बुजुर्ग नहीं हो गए, एक दिन में बुढ़ापा नहीं आ जाता है, एक दिन में किशोर अवस्था नहीं आती है, तरुण अवस्था नहीं आती है, युवानी नहीं आती है। जिस तरह से एक दिन में बीज से बड़ा वृक्ष नहीं हो जाता है, प्रतीक्षण काम होता है, प्रतीक्षण। चाहे हमारे जागृत मन को इसका पता चले, कॉन्शियस माइंड, जिसका संबंध रहता है बहिर्गामी जगत से, चाहे हमें पता चले न चले, प्रतिपल शरीर जो है इसकी यात्रा अपने आप आगे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ठीक से समझा जाए, और ठीक से ही समझना है, ये जीवन महाजीवन में प्रविष्ट हो रहा है। ठीक से हम समझे तो हमारा जो भविष्य है वो है जीवन, जैसे छोटे छोटे झरे बड़ी नदी में मिल जाते हैं, महानदी में मिल जाते हैं, इसी तरह से हमारा जीवन भी, इसका भविष्य है महाजीवन से मिल जाना। कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन महाजीवन से मिलने को जा रहा है? ये विज्ञान है, समझना है। अगर तुम्हारे जीवन की यात्रा ठीक हो रही है, तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिन संतोष बढ़ता जाएगा, संतोष तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिन स्वीकार बढ़ता जाएगा, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति फरियाद, कंप्लेन अर्थात मन, अगर हमारा जीवन ठीक से आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 तुम्हारे जीवन से व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति फरियाद बिखरती जाएगी। ये अभ्यास है। अगर नहीं बिखर रही है तो तुम चिंता मत करना, तुम ध्यान देना शुरू करो, तुम मुझे खाली सुनना शुरू करो, और तुम देखो कि जहां पर तुम अटक गए हो वहां से तुम्हारा जीव ऊपर उठ जाएगा। हमारा प्रोत्साहन है ना समझी के कारण। अगर आज मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, और मैं कहूं कि आप सब इसके जिम्मेवार हो, तो उसका समझ लो मैं कभी इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अगर आप सब जिम्मेवार हो, आपके हाथ में मेरे दुख की चाबी है,
तो तुम चाहो तब मुझे दुख से दे सकते हो, चाहो तब पीड़ा दे सकते हो, चाहो तब संताप दे सकते हो, चाहो तब हताशा देख सकते हो, चाहो तब निराशा देख सकते हो, भय पैदा कर सकते हो, चिंता पैदा कर सकते हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, मेरे दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, ये समझ मेरे पास है तो मैं धार्मिक हूं, तो मेरा विकास संभव है। और अगर मैं कहूं तुम सब मेरे दुख के कारण हो, तुम सब मेरी पीड़ा के कारण, तो मैं अधार्मिक हूं, मैं संसारी हूं, तो मेरा दुख से मुक्त होना असंभव, क्योंकि मेरी चाबी ही तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो मुझे दुखी कर दो, तुम चाहो तुम मुझे पीड़ा में ले जाओ, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है। जीवन का सत्य है कि ये जो सारे है दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता, इतना ही बताता है कि अज्ञान वश हमारा संबंध जो कायम नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसके साथ हो गया है, और उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारा संपर्क जो सत्य है, जो कायम है, जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा, अर्थात परमात्मा, जो सदा से है सदा रहेगा अर्थात परमात्मा, परमात्मा का ठीक से रूप समझो, बहिर्गामी रूप, तो बहिर्गामी आकाश, अनंत आकाश, अनंत आकाश जिसमें वो प्रकट भी, हम सब उसके ही अंश, हमारी आत्मा अर्थात हमारा निजी अवकाश, हमारा निजी अपना, मेरा अपना अवकाश, जिसका दूसरा नाम मैं दूं तो मेरा अपना स्वभाव, मेरा अपना अवकाश, तुम्हारा अपना अवकाश, तुम्हारा अपना स्वभाव। लेकिन जो स्पेस है हमारे भीतर अवकाश, मैं अपने भीतर चलूं, मैं अपने अवकाश का संपर्क करूं, तुम अपने अवकाश का संपर्क करो, आनंद उल्लास प्रसन्नता उदारता निर्भयता सरलता सहजता मौलिकता ज्ञान ध्यान भक्ति समझ जागरण, तुम्हारा भी वही मेरा भी वही, कोई फर्क नहीं, सबको एक समान जीवन मिला है। इस तरह से देखो तो सबको एक समान जीवन है, सबके पास परम खजाना, परम खजाना, बाहर के खजाने पर रसीरा को आधारित नहीं रहना है। ग्यारह चरु एक मिले रसीला को, एक चरु मिल गया, अभी दस की खोज चालू है, जिसमें हम सब जितने गुरु है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, रसीला ने सबको काम पे लगा दिया है, लेकिन वो दस चरु ना भी मिले उसकी चिंता मत करना, और ठीक से काम किया आज्ञा चक्र पर तो मिल ही जाएंगे, और हम उसका ठीक से उपयोग करेंगे सुंदर जीवन प्रकट करने में। सुंदर जीवन का अर्थ है सबको पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं है इस पृथ्वी पर, जो कमी है केवल हमारी समझ की। सब ठीक से कपड़ा सबको मिलना चाहिए, ठंडी है तो सबके पास गर्म कपड़ा होना चाहिए, चाहे झोंपड़े में रहता है चाहे बंगले में रहता है, क्योंकि हम प्रत्येक दिन विज्ञान के साथ इतने आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की समझ हमारे पास बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर,
हमें खाली अपने पर काम करना है, अपने पर ठीक से काम करना है, किस तरह से हमारे भीतर की जो संपदा है, भीतर की संपदा अर्थात डॉलर, पाउंड, फ्लैट, नंबर ऑफ द फ्लैट्स, नंबर ऑफ द कार, कार्स, बंगलो, बंगलोस, बाहर की संपदा अर्थात शांति, संतोष, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, ये समझ है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। प्रत्येक दिन हम व्यस्त है, हम व्यस्त है, सुबह से लेकर रात तक, सुबह दिव्यवाणी 5 बजे स्वास्थ्य माँ पूजा, रात हुई अभी भोजन पचा नहीं, बांसुरी का श्रवण, उद्देश्य क्या है? जो जीवन हम जी रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है? अभी तक हमने जितना जीवन जिया उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, आगे हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये जीवन संबंधित समझ है। ये प्रश्न मैं प्रश्न नहीं रखूंगा, तुम भी नहीं रखोगे, ये तुम्हारी समझ के विकास के लिए है। ये प्रश्न कि पूरे दिन हम कर क्या रहे हैं, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक हम क्या कर रहे हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या इकट्ठा करना चाहते हैं, और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जा रहा है हम किस दिशा में जा रहे हैं। रात होती एक इसी जगत में एक रहस्यमय जगत जिसमें हम सब चले जाते हैं, संपूर्ण विस्मृति, संपूर्ण विस्मृति। मैं तुम्हें पूछूं, कल रात की निद्रा में तुम्हें याद आया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पूरा नाम क्या, तुम अमीर हो गरीब हो, कौन पत्नी कौन पति, कौन बाल बच्चे कौन माँ बाप, क्या धर्म क्या जाति, तुम पढ़े लिखे हो कि अनपढ़, तुम अरबोपति हो खरबोपति हो कि रोडपति, तुम्हें क्या स्मरण था निद्रा में, तुम कहां चले गए थे निद्रा में, हम कहां चले जाते हैं, इसी लोक में हम रहते हैं, इसी लोक में हम निद्रा में कहीं चले जाते हैं, रोज निद्रा में जाते हैं, रोज वापिस आ जाते हैं, फिर भी देखो कितना रहस्यमय जगत कि निद्रा में चले कहां जाते हैं। विस्मरण, इसे समझना है, इस पर काम करना है। जो तुम काम कर रहे हो उसके साथ मैं इसको भी जोड़ दूंगा कि निद्रा में हम जा कहां रहे हैं, निद्रा संबंधित जो समझ है हमारी कितनी है। मैं तुम्हें पूछूं, कौन सा अंतिम विचार था कल रात, कौन सा अंतिम भाव था तुम्हारा जब तुम निद्रा में प्रविष्ट हुए, जब तुम निद्रा से जागे कौन सा प्रथम विचार था, तुम ध्यान देना शुरू करो। मैं रोज स्मरण दिलाऊंगा, रोज स्मरण दिलाऊंगा, जब तुम निद्रा से जागे प्रसन्नता के साथ उठे या बोझिल भाव के साथ, ठीक से समझना है इसे, ठीक से। हम आध्यात्मिक विज्ञान इसलिए नहीं समझ रहे कि जीवन में दुख बढ़ते जाए, पीड़ा बढ़ती जाए, भय बढ़ते जाए, चिंता बढ़ती जाए, वैमनस्य बढ़ता जाए, एक दूसरे के प्रति वैर बढ़ता जाए, इसलिए हम आध्यात्मिक विज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इससे उल्टा हमारी समझ बढ़े, ज्ञान बढ़े, जीवन की जो परिस्थितियां से हम हैरान हो जाते हैं, हिल जाते हैं जीवन की परिस्थितियों, उसमें हमें श्रद्धा चाहिए, उसमें हमें विश्वास चाहिए,
हमारे भविष्य में हमें श्रद्धा चाहिए, हमारे भविष्य में हमें विश्वास चाहिए, हमारे हृदय में करुणा चाहिए, हमारे हृदय में सम्मान चाहिए, हमारे प्रति भी, अस्तित्व के प्रति भी। इसके लिए हम आध्यात्मिक विज्ञान, इसके लिए धर्म है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन। किस तरह से हम रसमय जीवन जिए, रसमय। सुबह जब हम जागे तो एक उत्साह प्रकट होना चाहिए, उत्साह कि आज का दिन फिर से मिल गया जीने के लिए, आज का दिन। आज के दिन के लिए इतनी समझ हमारे पास होनी जरूरी है। आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशक कंडीशन लेस हमारे हाथों में, एक। दूसरा, आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई, कैसे पता चलेगा कि हम भूल करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है? मैं तुम्हें विज्ञान समझा रहा हूं। इंडिकेटर, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। अर्थात जो भूल हमसे हो गई है, हो जाती है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी प्रातःकाल की मंगल भावना भी, मंगल प्रार्थना की, ये प्रार्थना प्रातःकाल की, कि हमारा आज का दिन हम सर्वश्रेष्ठ जीने का प्रयत्न करेंगे, जितनी भी समझ है हमारे पास। अगर मैं कहूं पूर्णता के साथ का अर्थ, शरीर का पूरा उपयोग, आलस्य को महत्व दें, आराम जरूर, आराम जरूर। जहां पर शरीर थक जाता है उसे रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट जरूर, लेकिन आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, प्रमाद से मुक्ति, आलस्य से मुक्ति। पूर्णता से जीवन जीने का मैं व्याख्या करता हूं, व्याख्या। जो भी मन है हमारे पास, मन जिसमें विचार प्रकट होते हैं, उस मन का पूरा विधायत्मक उपयोग, पूरा विधायक उपयोग। जो कल बोया था उसे आज पाया है, जो आज बोएंगे उसे ही कल पाएंगे, इसलिए मन का उपयोग विधायात्मक। और ये प्रत्येक दिन का अभ्यास है, प्रत्येक दिन का, कि आज का मेरा मन किस तरह से काम कर रहा है। आज का मन, आज मेरे भीतर विचार की धाराएं चल रही है, विचार प्रकट हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, इसका ठीक से उपयोग किया जाएगा तो मन विधायक दिशा में, विधायात्मक दिशा में, पॉजिटिव दिशा में काम करना शुरू करेगा। भाव शरीर हमारे भीतर का, जो मैं भाव करूंगा समग्र अस्तित्व के कल्याण के लिए, चाहे वो कीटक हो, चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ पौधा, पंछी हो, मनुष्य हो, गरीब मनुष्य, अनाथ मनुष्य, ना समझ मनुष्य, दुखी मनुष्य, मन से दुखी, भाव से दुखी, शरीर से दुखी मनुष्य, इसके कल्याण के लिए जो भी मैं भावना करूंगा, यही लौटेगी मेरी ओर, यही। अगर मैं चाहता हूं मेरा उद्धार, कि ये सबसे मेरा उद्धार हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता से, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो मुझे सबके लिए कल्याण प्रार्थना की समझ में जाना पड़ेगा, कि आपका भी कल्याण हो, आप भी मुक्त हो
और मैं भी मुक्त हो जाऊं। हम सब जीवन जिए, हम सब मिलकर, क्या कमी है मिलकर सुंदर जीवन जीने में? कमी क्या है? समझ। समझ किसकी? जीवन के प्रागट्य की। सच में हमें कितना चाहिए, सच में हमें क्या चाहिए, कितनी रोटी की मुझे जरूरियात है और मेरे पास कितनी रोटी है, कितने कपड़े की मुझे जरूरियात है और मेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने बड़े आवास की मुझे जरूरत है और कितना मेरा आवास है, ये समझ है। जैसे जैसे हम ठीक से जीवन जीते हैं, जीते जाते हैं, अपने आप जीवन ऊर्ध्वगामी होता जाता है। ऊर्ध्वगामी अपने आप, ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर उठना। ऊपर की ओर उठने का अर्थ है तुम्हारा संबंध बनना ज्योतिर्मय जगत के साथ, जिसका प्रारंभ होता है, अनेक बार मेरे मुख से निकलेगा, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, जिसे मैं नाम दूंगा शरीर का हरिद्वार। हरि, हरि शब्द होता है हर लेता है, हर लेता है, हमारे पास ही है हरि, हमारे पास ये स्थान, हमारे पास है। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेन की बुकिंग करवानी पड़ेगी, प्लेन की बुकिंग करवानी पड़ेगी और हरिद्वार पहुंचूंगा तब मेरे जीवन का सॉल्यूशन आएगा। अभी आज्ञा चक्र मेरे पास, जो हरिद्वार है, शरीर का हरिद्वार, जहां से ज्योतिर्मय जगत शुरू होता है। पातंजलि ऋषि से कहते हैं सहस्त्रार चक्र, मैं कहूंगा दिव्य प्रेरणा का क्षेत्र, दिव्य प्रेरणा का क्षेत्र, प्रति पल ये हमारे साथ संपर्क में है। जैसे सूर्य, देखो आप सूर्य, इसकी किरणें छू रही है। अगर हम ऐसे बैठे हैं, हमारी खिड़की बंद करके बैठे हैं, तो सूर्य नहीं प्रविष्ट होगा, खोल देंगे तो सूर्य की किरणें हमें मिल जाएगी, प्रकाश हमें मिल जाएगा। सही, ज्योतिर्मय जगत हमारे संपर्क में है, हमें संपर्क करना सीखना है, हमें संपर्क करना सीखना है। द सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स एंड द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, दिव्य कला, अर्थात जो विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। प्रैक्टिकल वर्क, थियरी इज इनफ, अब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। हमिंग ओंकार, तीन मंत्र सप्तक के, पांच मध्यम सप्तक के, ठीक से समझे इसका विज्ञान, तीन तार सप्तक के। तार का अर्थ है ऊपर, मंत्र सप्तक का है अर्थ है नीचे, और मध्य सप्तक का अर्थ है बीच में। ये शरीर के साथ संबंधित है। जैसे कि मैं कहता हूं आपको कि हम खरज, खरज का अर्थ है नीचे, जितना नीची आवाज आप प्रकट कर सको, ध्वनि, एक हमिंग, हमिंग ओंकार, ओ, जितना नीचे इसका असर आएगा, नाभि के नीचे दो अद्भुत शक्ति चक्र, एक स्वाधिष्ठान चक्र, एक मूलाधार चक्र, ये दोनों चक्र हमारी उत्सर्जन व्यवस्था और हमारे ड्रेनेज सिस्टम के कंट्रोल, यहां पर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे शरीर में, इसका नियंत्रण नाभि से नीचे। तो जो तीन हमिंग ओंकार नीचे है, इसका असर आएगा नाभि से नीचे के शरीर पर। पांच मध्यम सप्तक, इसका असर आएगा नाभि से लेकर आंख तक, दो आंखों तक, मध्यमान शरीर, मध्यमान शरीर। तीन तार सप्तक के हमिंग ओंकार अर्थात ऊपर, देखना आंख बंद करके आप स्वयं अनुभव करो कि कहां पर इसका असर आ रहा है। मैं कहूं इसलिए मान मत लेना, मैं तुम्हें विज्ञान की समझ दे रहा हूं।
तुम अपने शरीर में चेक करो कि इसका असर कहां पर जा रहा है। जब तुम तार ऊपर खींचो, हमिंग जितना ऊपर खींच सकते हो प्रयत्न करो, ओंकार जितना ऊपर खींच सकते हो, मैं आपके साथ। आवाज जहां आपकी फटे नहीं, फट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ जाए कि कितनी आवाज में ऊंची ले जाऊं तो फटती नहीं और ऊपर जाती, इसका असर आएगा तुम्हारे मस्तिष्क पर। मस्तिष्क संबंधित जितनी भी विक्षिप्तता है, विक्षिप्तता का अर्थ है अज्ञानवश जो भी अशुद्धि है मस्तिष्क में, अपने आप दूर हो जाएगी। अपने आप हम प्रक्रिया में प्रविष्ट होते हैं और आवाज को दबाए नहीं, आवाज को खोले, जैसे हम ही देखे पहले मंत्र सप्तक, इतनी मेरी लेंथ ओंकार, पूरी आवाज से प्रकट करें। 11 हमिंग ओंकार में आपका नर्वस सिस्टम ठीक से अगर आप करोगे, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, चेता तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, पूरा शुद्ध कंपन से, वाइब्रेशन से, हमिंग ओंकार के वाइब्रेशन से शुद्ध हो जाता है। आप समाधान का अनुभव करोगे, आप समाधान का, जिसका दूसरा नाम समाधि। नो डिमांड, नो कंप्लेन, एक हल्कापन अनुभव करो। इससे पहले थूक निकाले गले में, गला साफ करें, जो कर सकते हैं ध्यान भी आज्ञा चक्र पर रख के तुम हमिंग ओंकार कर सकते हो, अभ्यास है, कर सकते हो। प्रयत्न करें, हमिंग ओंकार में प्रविष्ट होते हैं। पहले 3 खर्च सप्तक के मैं आपके साथ, जैसे ही 3 हमिंग ओंकार समाप्त हो, अगर आप विस्मृत हो गए हो, स्मरण करो, ध्यान आज्ञा चक्र पर, गला साफ करो, कफ के पार्टिकल्स गले में रहने नहीं चाहिए सुबह में, थूक निकाले जितनी क्षमता, 2 बार 4 बार, परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमारे थूक सलाइवा, गले का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, पेट की जो भी तकलीफ है सारी दूर करने की सरल विधि थूक का निकालना गले में। अब हम प्रविष्ट हो रहे हैं 5 हमिंग ओंकार मध्यम सप्तक के, खुल के करें मैं आपके साथ।
हमिंग भी जितना लंबा सकते हो लंबाओ, ओंकार भी जितना लंबा सकते हो लंबाओ, क्षमता के अनुसार। पांच अंतिम चरण में प्रविष्ट हमिंग ओंकार के तार सप्तक, अर्थात जितना ऊपर आप प्रकट कर सकते हो हमिंग को भी ओंकार को भी, प्रयत्न करो मैं आपके साथ।
ध्यान आज्ञा चक्र, गले में थूक निकालना न भूले। पूरे दिन में जब भी स्मरण आए, पृथ्वी का जो आगे का वातावरण बन रहा है, इस पे आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति महत्वपूर्ण अंग जीवन जीने के लिए। सरल प्रक्रिया इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, थूक निकालो गले में। प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बीच, प्रार्थना के बाद ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। ज्योतिर्मय जगत का प्रवेश द्वार, जहां से हम प्रतिक्षण दिव्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो बदलती है भाव में, विचार में, शारीरिक संवेदनाओं में। ये शक्ति प्रकट होती है आज्ञा चक्र से। आपका ध्यान अपने मस्तिष्क में ले जाने का भी प्रयत्न करें, ऊपर की ओर, मस्तिष्क का प्रदेश, स्कल, भौतिक शरीर का रूप, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं स्कल, आपके ध्यान के प्रकाश को मस्तिष्क में ले जाने का तनाव रहित प्रयत्न, हल्का फुल्का प्रयत्न। अगर ठीक से आपका ध्यान केंद्रित है आज्ञा चक्र पर, ये इसकी निशानी है, कसौटी है, विचार का उद्भव होना असंभव। विचार की शक्ति रूपांतरित हो जाती है प्रकाश में, विचार के ध्वनि की शक्ति रूपांतरित हो जाती है ओमकार में, विचार के प्रकाश की शक्ति प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है, ध्वनि की शक्ति ओमकार में रूपांतरित हो जाती है। प्रवेश करेंगे अर्धनिमिलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख आधी बंद आंख। नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। ये प्रक्रिया मैं इसलिए तुम्हें करवा रहा हूं, थोड़ी क्षणों के लिए सुबह में और शाम में की हुई ये प्रक्रिया तुम्हें पूरे दिन अलौकिक मस्ती में रखेगी, तुम्हें पूरे दिन एक समाधान में रखेगी, समाधि स्थिति में रखेगी, अनुभव करे। आधी बहिर आंख से बहिर जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से अंतर जगत का संबंध। जीवन दोनों ओर, बाहर भी भीतर भी। विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स, अंतर जगत के साथ संबंध बनाते हुए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ओपन योर आईज, वॉच स्ट्रेट। आप सीधा देख रहे हो, तीनों आंख प्रज्वलित, तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क। कोई मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास। दो आंखों से बाहर जगत का संपर्क, आपकी खुली आंख, Thank you.
निमुक्त रागी भैरवी। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, दिव्य कला का अर्थ है जो कला हमें भीतर से भरे, भीतर से भरे, किसी को दिखाने सुनाने के लिए ये कला नहीं। दिस इज नॉट द स्टेज वर्क, ये है अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखना, जानना, समझना, भीतर से भरना। प्रार्थना, भैरवी के प्रार्थना और गायन के रूप में देखे तो रचना ऐसी होनी चाहिए। सब रचना ऐसे नहीं कहता हूं, आपकी जो प्रिय रचना हो, प्रिय प्रार्थना हो, लेकिन मैं आदर्श प्रार्थना रचना इसे कहूंगा जिस पे खरज के स्वर भी आते हो, मध्य के स्वर भी आते हो और रचना ऊपर भी जाती हो, ऐसी एक प्रार्थना करवा रहा हूं जिसका राग भैरवी। भैरवी ऐसा राग है, सरस्वती माँ का नाम। भैरवी का अर्थ है कल्याण करने वाली शक्ति। और जब भी सरस्वती माँ में नाम लू, सरस्वती का अर्थ है जीवन सुंदर बनाने वाली, इसका अर्थ है सा विद्या या विमुक्त है, सा कला या विमुक्त है। कला वही सच्ची, विद्या वही केवल सच्ची जो सर्व दुख, सर्व पीड़ा, सर्व संताप, भय, हताशा, निराशा, चिंता से मुक्ति दिलाए। माता सरस्वती शारदा, ताल आधा तीन तक, माता सरस्वती, गाना मेरे साथ, शारदा हे माता सरस्वती शारदा,
इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें पता है क्या करना है। गायन के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान, इसलिए गायन दरमियान क्या भाव रहा, कौन सा भाव रहा, कैसे विचार रहे हैं। जैसे ही आज्ञा चक्र पर ध्यान जाता है, विचार में बंधी हुई प्रकाश की शक्ति मुक्त हो जाती है, विचार में बंधी हुई ध्वनि की शक्ति ओंकार की ओर चली जाती है। इतनी पवित्र और सुंदर प्रक्रिया है ये, इससे परिचय बनाओ, जीवन को निखारो। प्रातः काल में जो गाना है, गायन है, प्रार्थना है, मंत्र है, श्लोक है, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी निखारने में मदद रूप होता है। जो हमारा भोजन है, ये तीन भाग में रूपांतरित होता है, वात वायु पित्त प्रवाही, एसिडिक प्रवाही कफ सेमी सॉलिड पदार्थ। इसका संतुलन बिखरने से बीमारी पैदा होती है। गायन से वात पित्त और कफ संतुलित हो जाते हैं। इसके लिए आप देखोगे तो गायन के बाद एक मस्ती का अनुभव करोगे, हल्कापन, कुछ निखरा भीतर, कुछ निखरा। इसका कारण है वात पित्त और कफ अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, खाली ठीक से गाने की रीत समझनी। आज का राग भैरवी, ये जो प्रार्थना ली, मैं जरूर नाम लूंगा उस महान संगीतकार का, जयदेव, जिसने ये रचना, वैसे तो प्रार्थना ही है ये, भैरवी राग का लक्षण गीत है ये प्रार्थना, लेकिन उसने प्रकट की ये प्रार्थना को। इसे बहुत सुंदर गाया है यशुदास और लता मंगेशकर ने, इस सुनने जैसी रचना है। फिल्म का नाम भी दे देता हूं, आलाप, बहुत सुंदर फिल्म भी, और ये रचना एक बार इन लोगों की भी सुनने जैसी है। और मैं तुम्हें करवाऊंगा ये भीतर के निखार के लिए जो प्रक्रिया है, रिपीटेशन है, कि यहां पर तीन बार रिपीट करो, यहां पर पांच बार रिपीट करो। इसका कारण है तुम्हारा स्वर खिले, तुम्हारे रिदम की समझ हो। इसलिए आत्मा का लक्षण सरलता, सहजता, मौलिकता, और उसका एक ही नाम में हम कहे सरलता, सहजता, मौलिकता, रश्मि। और इसमें अगर मैं कुछ असत्य बोलता हूं तो आप कह सकते हो, लेकिन मैंने तीनों गुण देखे इसमें, सरलता भी, सहजता भी, मौलिकता भी। इसकी रचना मुझे बहुत प्रिय सबको। ए तो संत ने फकीर, शब्द भी सुनना, शब्द भी, जीवन का उपदेश, जीवन जीने का मार्गदर्शन उपदेश। चलो हम गाते हैं, वात पित्त कफ को ठीक कर लेते हैं। और कल वैसे भी पुलाव था, पुलाव अर्थात तुम फुगा बन जाते हो खाने के बाद, फुगा अर्थात हवा भर जाती है, उसे ठीक करनी है। रश्मि की अद्भुत रचना। ए तो संत ने फकीरनी, रीत रे रीत रे, उगरावे अंधारी रात।
तीरे तीने सावे चांजवा नीर माथे वैशाखी तड़का संसार नीचे पड़ती रे तीने सावे चांजवा नीर माथे वैशाखी तड़का संसार कोना आंसू लूछे छे कोना रेशमी रुमाल सोना क्षमता बढ़ेगी गाने के लिए, चाहे तार सप्तक हो, मध्यम सप्तक हो, मंद्र सप्तक हो, आप अनुभव करो। आपके गले के सूक्ष्म स्नायु लचीले होते जाएंगे, फ्लेक्सिबल, इससे आवाज मधुर सुंदर आज्ञा चक्र का ध्यान इसलिए कि जो कला है जीवन जीने की कला, उसमें समाधि का होना जरूरी, समाधान होना जरूरी, प्रतिपल
एक क्षण भी समाधान से बाहर नहीं। यह अभ्यास है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हम निपुण होते जाते हैं। तुम अनुभव करो आज जो शांत समय का राग है, वो राग है भैरवी बांसुरी पर। और देखो अभी हमने इस तरह से प्रक्रिया की। प्रथम जो गायन है वो जयदेव का कंपोजिशन। जयदेव हमारे बीच में नहीं, शरीर के रूप में, ना लता मंगेशकर हमारे पास है, ना यशुदास है, फिर भी इन लोगों की जो रचना है उसका भी हमने हमारी प्रार्थना में उसे प्रकट किया। तो इन लोगों के साथ जुड़े हम, जहां से ये रचना प्रकट हुई इसका भी ज्ञान है, जिसने ये गाई, जिसने ये कंपोज किया, जिसने ये बजाई, तुम्हें आज नहीं कल पता चल जाएगा कि जिसकी भी रचना तुमने ली उसके साथ तुम्हारा संबंध बना। फिर दूसरा भाग कि हमारे बीच में ही ऐसा दिव्य कवि, दिव्य व्यक्तित्व मौजूद कि जिसने कविता रची, हमारे बीच में ही किसी ने रची, तो वो हमारा ही है, हमारे साथ ही है। उसकी रचना को हमने न्याय दिया, उसको हमने प्रकट किया, क्योंकि मैं रचनात्मकता इस जगत पर फैलनी चाहिए। रचनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति की बात आती है। पहने लो ये मुझे भेंट किया जयश्री ने और मेरी बेटी चंद्रलेखा ने, ये दोनों ने मिलकर टोपी इसमें नहीं बनाई, टोपी तैयार है बेटा, टोपी तैयार, खाली आगे का मोर पीछ ये इन लोगों ने बनाया। लेकिन देखो जो भी समय मिला, समय अगर चाहते तो ये निंदा भी कर सकते थे किसी की, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ये ऐसी करती है वैसी, लेकिन उसके बदले उसने मोर पीछ बनाया। तो ये इतनी भी शक्ति है, ये दिव्य प्रेरणा है, इसे मैं रिस्पेक्ट करूंगा। किसी भी शरीर से प्रकट होती है कोई भी दिव्य भावना, वो परमात्मा की शक्ति है। उसको अगर हम कदर नहीं करेंगे तो इस जगत में रचनात्मक शक्ति नहीं बढ़ेगी। ये इसका विज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं। दिव्य जगत के समाचार पत्र कैसे होने चाहिए, इसमें क्या समाचार होने चाहिए। प्रवीणा पटेल, जगदीश पटेल, मेरे एनिवर्सरी आज है उसकी, तो हम उसे हार्दिक अभिनंदन दे रहे हैं। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, ऐसी आदर्श जोड़ी। और इसलिए नहीं मैं नाम ले रहा हूं आदर्श जोड़ी कि हमें यहाँ 21,000 रुपये भेंट कर रहे हैं आदिवासी गरीब लोगों के भोजन के लिए, प्रसाद के लिए भेंट कर रहे हैं, और 11,000 रुपये वो भेंट कर रहे हैं गाय माता की केयर के लिए, संभाल के लिए। और अभी भी पूछ रहे हैं कि गायों का किस तरह से आप आयोजन करना चाहते हो, इसमें हम प्रदान करना चाहते हैं। समाचार नंबर 1, समाचार नंबर 2 इसी तरह से बॉम्बे से भक्ति और अरुण, दूसरा आदर्श जोड़ा, ऐसे ही जोड़े हैं सारे, आदर्श जोड़ी है, बाबा राम जी जोड़ी क्या बनाई, सब जोड़े को लागू पड़ती है। ये दूसरी आदर्श जोड़ी जो सदा तत्पर रहती है महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय के विकास के लिए, जैसे ही बैंक में थोड़ा रुपया ज्यादा हुआ तुरंत पेट कर देते हैं, उनकी ओर से 21,000 रुपये नटराजपुरम विकास के लिए हमें प्राप्त हो रहे हैं। दोनों दंपति का मैं वैश्विक परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद चाहूंगा। अभी एक तीसरा समाचार है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन, गोल्ड मेडल मिल गया। हमारे यहां गोल्ड मेडल जब जाहिर होता है तो जिसके नाम गोल्ड मेडल जाहिर होता है उससे सोना जमा करवाना पड़ता है, और ये दंपति को गोल्ड मेडल जाहिर हो गया और उन लोगों ने जमा करवा ही दिया। गोल्ड मेडल मिलने से पहले अपना सोना जमा करवा दिया। वन मोर आदर्श दंपति, आदर के साथ, नॉट लव ओनली, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ये दंपति की ओर मेरा आदर। श्री जगन्नाथ, नहीं यहाँ नारी को प्रथम नाम मिलता है, श्री
श्रीमती चित्रलेखा और श्री जगन्नाथ। मैं जब भारत के मंदिर घूमता था, भारत अभी भी घूम रहा हूं, प्रत्येक साल एक महीना तो उनसे भी छड़ जाऊंगा फिर वापिस आ जाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो यहां ही ठहरा हूं। लेकिन जो भारत का मैं भ्रमण करता था, मैं मूर्तियां देखता था टूटी हुई, मुझे लगता था ये काम किस तरह से मैं संवारूं, इसमें मैं क्या करूं। और मैं बैठा था खजुराहो के मंदिर में, मैं पूरा विषय लूंगा, विषय मेरे साथ 12 लोग थे, 12 शिष्य मेरे प्रिय शिष्य, और जिससे मैं काम लेना चाहता था। मैं बैठा हूं मंदिर में कि किस तरह से ये मंदिर मिसकंसेप्ट है, इस मंदिर के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानकारी है जो मेरे अपने हैं, आप सब, मैं उसे क्यों ना दूं ये जानकारी। लेकिन ये जो मूर्तियां है उसका मैं करूं क्या, किस तरह से इसको हम प्रिजर्व कर सके, मनुष्य को इसका ज्ञान दे सके। और मुझे उसी मंदिर में दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। और कैसा होता है जब, जैसे मैंने कहा कि शिवलिंग की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि कीर्ति ठक्कर और अरुणा ठक्कर तुरंत तैयार हो गए कि ये शिवलिंग हम वेट कर रहे हैं, इस तरह से होता है। अभी मुझे वहां ये प्राप्त होती है दिव्य प्रेरणा कि इस मूर्तियों को चित्रों में बदलो, चित्रों में ये मूर्ति को, ये प्रेरणा प्राप्त हुई। और जगन्नाथ और चित्रलेखा मेरे पास, मेरे दाएं बाएं हाथ कला के, क्योंकि अब मेरा तो हाथ काम नहीं कर रहा है, और करता है तो भी टेढ़ी वेढ़ी चित्र हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा जो आपकी प्रेरणा वो हमारे लिए आदेश, हम ये काम करेंगे। और अभी जो ये 4 लोगों ने काम किया, अद्भुत काम, गोधरा में जहां पर दूसरा विश्वविद्यालय स्वरूप ले रहा है, विश्वविद्यालय मेरा नहीं है, ये हमारा सबका है, हर पंछी का, हर पशु का, हर चींटी का, तो मनुष्य की तो बात ही कहां करूं मैं। जब वायरस को भी हम निमंत्रित कर रहे हैं तो मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की, और किसी को भी रिजेक्ट करना परमात्मा को ही रिजेक्ट करना है। तो अभी एक काम दिया था मैंने, और ये लोगों ने जो काम किया है, जयश्री, चंद्रलेखा, चित्रलेखा और जगन्नाथ, कि जो मैं एक ऐसा चित्र चाहता था जो दंपति है उसके शयन खंड में विष्णु लक्ष्मी होने चाहिए, कि वो जब शयन खंड में जाए तो दर्शन करे एक आदर्श दंपति का, जिसे हमने रिस्पेक्ट दिया, जिसे हमने भगवान कहा, विष्णु और लक्ष्मी, इसका चित्र होना चाहिए। मूर्ति का स्वरूप है जो, ये शयन खंड में होना चाहिए। अभी और मेरी समझ इसमें और प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि शयन खंड का जो प्रवेश द्वार है उसके पास या उसके ऊपर शिव पार्वती और उसके 3 संतान का चित्र होना चाहिए। ये चित्र है, चित्र का फोटोग्राफ आप देखोगे 3-डायमेंशनल फोटोग्राफ है। लेकिन आप देखोगे कि जैसे मूर्ति ही और है ही संबंध हो गया, जो विष्णु लक्ष्मी है उसके साथ संबंध हो ही गया, जो शिल्पकार है इसके, जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया ये बनाने का, ये सारी दिव्य चेतनाएं जुड़ गई। धीरे धीरे ये लोग अनुभव करते जाएंगे कि हमारे खाली हाथ ही है, काम कोई और कर रहा है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम करते जाओ काम जो है। और जो कला है सनातन धर्म में इतना महत्व है कला का, साहित्य संगीत कला का, उसका विज्ञान समझो, सहस्त्रार चक्र की शक्ति को प्रकट करना, उसकी दीप है, अरबों दीप है हमारे खोपड़ी में, प्रकाश है, प्रकाश के सोर्स है, उसको, उसका संपर्क करना, उसे प्रकट करना, ये लक्ष्य है। जो शिल्प है मंदिरों में, चित्र है मंदिरों में, प्रार्थना का गायन है, मंत्रों का, श्लोक का गायन है, नृत्य है,
उसका उद्देश्य है सहस्त्रार चक्र की शक्ति को प्रकट करना। सहस्त्रार चक्र की शक्ति का प्रकट होने का अर्थ है निजानंद, दूसरा नाम नहीं। तुम स्वयं में तृप्त, और बाहर से कुछ नहीं चाहिए। देखो तुम चित्र लिखा हो जगन्नाथ, एक आदर्श दंपति, बहुत सीखने जैसा, समझने जैसा कि कुछ अपना, ये मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, जिसे जो जरूरत है दे देंगे। ये दोनों चित्र मैं भेंट कर रहा हूं, एक जोड़ा हमारे पास ही है ऐसा आदर्श, श्री भाविक और ऋचा, मैं बुलाऊंगा शयनखंड में इसे, जो आपका जहां आप सर रखते हो उसके पीछे अगर दीवार हो तो वहां पर, या जहां पर आपको ठीक लगे, लेकिन शयनखंड के लिए ये चित्र भेंट कर रहा हूं। जगन्नाथ ठीक है, चित्र लेकर आए और स्वीकार करें। वैश्विक परिवार की ओर से, फ्रॉम द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स की ओर से ये चित्र, इसी तरह से ये दूसरा चित्र मैं पेंट कर रहा हूं, श्री चिंतन आर्य एवं श्रीमती आर्य, आरती आर्य के शयनखंड के लिए, तो ये आप उसे पहुंचा दें। और मेरी अपेक्षा ये है कि वहां का जो विश्वविद्यालय का स्वरूप है ये यही लोग ही निखारे, बहुत अच्छा काम कर रहे, अभी प्राणियों की सेवा है, क्योंकि आज ऐसा जीवन हो गया है खाली जहां जाओ तुम्हें मनुष्य ही मनुष्य दिखता है, या फ्लैट या मनुष्य या गाड़ी बंगला, ना हमें गाय दिखने को मिलेगी ना कुत्ता, तो अब अदृश्य ही हो रहा है, कुत्ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जो जोड़े हैं ऋचा है भाविक है, इसका मैं कदर करूंगा कि ऐसे आदर्श दंपति है जो कुत्ते के लिए, कुत्ता बीमार है उसको रिक्शा में लेके, गाड़ी में लेके, कोई भी कुत्ता, स्ट्रीट डॉग, कहीं भी पड़ा है उसका मृत देह, तो ऋचा अपने हाथ से खोदती है खड्डा, आसपास के लोग आ जाते हैं, उसकी लाश वो दफना देते हैं जमीन में, मैं उस जीव को प्रणाम करूंगा दोनों को, क्योंकि ये जो आशीर्वाद मिलता है इससे ही जीवन निखर जाता है, ये पशुपति नाथ का काम है ये जो संभाल रहे हैं। अंतिम प्रार्थना ये एमएस सुबा लक्ष्मी ने गाई है, बहुत सुंदर रचना, भैरवी में आपके कानों तक ये मंगल प्रार्थना है एक प्रकार की, मैं आपके कान के संपर्क में लाता हूं इस प्रार्थना को, ये भी सुनना है एम एस सुभा लक्ष्मी विदुषी, विदुषी इसके गुरु को मैं हजार बार नमस्कार करूंगा, इस विदुषी स्त्री को मैं हजार बार नमस्कार करूंगा, जिसने सुप्रभातम भेंट किया हमें, हम बजा रहे हैं, वेक्टे सुप्रभातम है, कामाक्षी सुप्रभातम है, काशी विश्वनाथ सुप्रभातम है, इसकी आवाज दिव्य, खाली कान में श्रवण करो प्रातः काल में, तुम्हारे पूरा जीवन निखर जाता है, पूरा दिन तुम एक अलग शक्ति के संपर्क में आते हो, इसी तरह से ये प्रार्थना भैरवी में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। और विज्ञान है जिसकी प्रार्थना रचना तुम लेते हो वो कलाकार, कंपोजर, वो संत के साथ हमारा सूक्ष्म संबंध बनता है, या तुम ऐसा कहो इसका और आगे का रूप कि वो संत और संत के साथ जुड़े हुए और संत की शक्ति जब यहां पर मौजूद होती है तो ये प्रेरणा से ये प्रार्थना प्रकट होती है। नाद बिंदु कलादि नमो नमः, नाद बिंदु कलादि नमो नमः, नाद बिंदु कलादि नमो नमः, वेद मंत्र स्वरूपा नमो नमः, नाद बिंदु कलादि नमो नमः, नाद
पंडित स्वामी नमो नमः, ज्ञान पंडित स्वामी नमो नमः, ज्ञान पंडित स्वामी नमो नमः, प्रभु केंद्रित करें, समाधान प्राप्त करें, समाधि प्राप्त करें। अभी अस्तित्व ने जो ये सुंदर अवसर मुझे दिया दिव्यवाणी प्रकट करने का, और तुम्हें भी अवसर मिला दिव्यवाणी सुनने का, ऐसा अवसर अस्तित्व हर मनुष्य को दे, सब मनुष्य का ऐसा भाग्य हो कि प्रातःकाल सुंदर रूप में प्रकट कर सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना और प्रार्थना के साथ आज की प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया, दिव्यवाणी के श्रवण की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त करते हैं। वस्तु आरती के लिए आ जाए।